साल 2019 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रदेश बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। हाल ही में इसी के मद्देनजर स्वप्नपुरी के अतिथि गृह में एक बैठक का भी आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव, राज्य पर्यवेक्षक सुनील देवधर समेत बीजेपी के अन्य नेताओं और समर्थकों ने बैठक में हिस्सा लिया। बीजेपी के अखिल भारतीय सचिव ने कहा कि यह बैठक आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आयोजित की गई है। बीजेपी दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी और IPFT उसका समर्थन करेगी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा ने बताया कि बैठक में पार्टी के सांगठनिक ढांचे पर चर्चा की गई, साथ ही राज्य सरकार की आगामी नीतियों पर भी निर्णय लिया गया। केंद्रे उनार जन्य नय आमादेर जे मुक्तिदाता आमादेर जन्य उनाके सेई दुईटी सीट उपहार दिए त्रिपुरावासीर तरफ थेके आमरा एखान थेके उपहार पाठाबो। और आमार पूर्ण विश्वास केंद्र एवं राज्य सेम सरकार रयेछे, बहुदिन पर त्रिपुराते কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার সেম হয়েছে। बीस सितंबर को राज्य की पुलिस द्वारा मणिपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल में छापेमारी के बाद शिक्षकों समेत कई छात्रों को हिरासत में लिए जाने की घटना के विरोध में गर्ल्स हॉस्टल में जारी भूख हड़ताल का आज पांचवा दिन है। स्वास्थ्य बिगड़ने से अब तक भूख हड़ताल पर बैठी 15 छात्राओं को इम्फाल के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौजूदा यूनिवर्सिटी कैंपस में बड़ी संख्या में राज्य पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। साथ ही 3 एम्बुलेंस भी तैयार रखे गए हैं ताकि स्वास्थ्य बिगड़ने पर छात्राओं को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया जा सके। दूसरी ओर 6 छात्र संगठनों द्वारा आहूत 48 घंटे की आम हड़ताल भी जारी है जो आज मध्य रात्रि को समाप्त होगी। मणिपुर विश्वविद्यालय का छात्र और टीचर्स जो है उसको रिहा करने की मांग पे आज मणिपुर विश्वविद्यालय के अलग अलग हॉस्टल यानी लेडीज हॉस्टल में भूख हड़ताल चल रही है। आज पांचवा दिन है, आपको देखा होगा यहाँ पर जो भी भूख हड़ताल चल रही है छात्री जो लोग जो है यहाँ पर मणिपुर सरकार की तरफ से यहाँ पर डॉक्टर और नर्सेज यहाँ पर अच्छी तरह से देखभाल कर चुकी है। टुडे इज द 5th डे, वी आर ऑन द रिले इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक टू डिमांड to release the arrested teachers and the students, and we will continue our hunger strike till the release of the students and teachers. आरकेपुर मंडल स्थित 31वें बूथ ऑफिस परिसर में बुधवार की रात एक ऑटो रिक्शा में आग लग गई। सूत्रों के मुताबिक ऑटो रिक्शा का मालिक कृष्णा कमल साहा लंबे समय से CPIM का समर्थक रहा है और हाल ही में उसने BJP ज्वाइन किया है। रोजाना की तरह उस दिन भी बूथ ऑफिस परिसर में ऑटो रिक्शा को खड़ा कर कृष्णा कमल साहा अपने घर चला गया था। अगले दिन सुबह उसने ऑटो रिक्शा को 80% जले हुए हालात में पाया। कृष्णा कमल साहा के लिए ये ऑटो रिक्शा ही कमाई का एकमात्र जरिया था। इस बीच पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सिक्किम में हर साल पर्यटकों की संख्या यहां की जनसंख्या की दुगनी होती है। हाल ही में सिक्किम के दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही बात कही थी। यहां पर्यटन के मौसम में पर्यटकों के ठहरने के लिए होटलों की कमी हो जाती है और इसी परेशानी से निपटने के लिए सिक्किम सरकार ने होमस्टे की अवधारणा पेश की है। और पैलिंग गाँव ने खुद को होमस्टे हब में विकसित कर लिया है और अब यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। यही बात 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर भी उजागर हुई, जिसका आयोजन सिक्किम टूरिज्म सोसाइटी ने पश्चिम जिला प्रशासन, सिक्किम सरकार के पर्यटन विभाग, पैलिंग टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी और पश्चिम सिक्किम के पर्यटन हितधारकों ने मिलकर किया था। इस इवेंट का मुख्य मुद्दा सिक्किम के पर्यटन उद्योग के विभिन्न पहलुओं तथा पर्यटन की संभावनाओं पर चर्चा करना था। वेस्ट सिक्किम इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ होम स्टेज and the people at the rural level are directly involved in tourism business. You can see the least number of hotels are being leased out to outsiders over here.
the real business are being done by the real local people. So in terms of economic benefit, the direct economic benefit is being penetrated down to the rural masses. That is how today the people of West Sikkim, especially Peling and nearby areas, they've taken up tourism as not just as a business, but not just as a livelihood, but as a way of life.